सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजें देखी हैं जिस पर सिर्फ हम ही बिलीव कर सकते हैं। अगर वो बात आप अपने किसी परिचित को बताओगे तो वो सीधा सीधा ये कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया में आज कई घटनाएं होती रहती है, उनके बारे में अगर सुनो तो वो अफवाह लगती है, लेकिन उनको अगर एक बार देख लें तब जाके वो सच लगती है। ऐसी ही कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नेचुरल स्पिरिट्स। जब कभी भी 30 से 90 तक के एल्टीट्यूड पर हैवी थंडरस्टॉर्म होता है तो एटमॉस्फेयर में स्पिरिट देखी जा सकती हैं, जो यूजुअली तेज शोर के साथ होने वाली लाइटनिंग होती है, जो डिफरेंट शेप और कलर्स में देखे जाते हैं, जो कई सौ किलोमीटर के डायमीटर की होती है और ज्यादातर तो कुछ तो मिली सेकेंड के लिए एटमॉस्फेयर में मौजूद भी रहती है। कुछ समय के कारण ये नेचुरल फिनोमेना बहुत लेस टाइम ही कैमरा में रिकॉर्ड हो पाता है। इस नेचुरल फिनोमेना की फर्स्ट फोटोग्राफ 1989 में ली गई थी, वो भी तब जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साइंटिस्ट हाई एल्टीट्यूड पर हाई सेंसिटिव कैमरा की टेस्टिंग कर रहे थे और उस टेस्ट के टाइम कैमरे का एम स्टार की ओर किया गया था, लेकिन एक्सीडेंटली उन कैमराज ने दूर होने वाले थंडरस्टॉर्म और फ्यूनल शेप्ड के स्पिरिट को कैमरे में कैद कर लिया था, जो एटमॉस्फेयर में 30 किलोमीटर के हाई एल्टीट्यूड पर सामने आया था। आज ये फिनोमेना बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया जा चुका है, जिस कारण इन नेचुरल स्पिरिट्स के ग्रुप में होने का रीजन मालूम पड़ता है। और अधिकतर इन स्पिरिट्स के कलर और शेप उस एल्टीट्यूड पर डिपेंड होता है जहाँ ये देखे जाते हैं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर, कंपोजिशन डिफरेंस इन स्पिरिट्स के अलग अलग और ज्यादा हाइट पर बनने के कारण होता है। ये इमेजिंग लाइटनिंग बॉल्स नाइट्रोजन के कारण न्यू मून पीरियड के दिन एटमॉस्फेयर में देखे जाते हैं, जब आसमान पूरी तरह से काला होता है, तो ये स्पिरिट अपने कुछ अनयूजुअल फीचर्स दिखाती हैं। ये नेचुरल स्पिरिट्स आसमान से नीचे आने की जगह ऊपर की ओर सीधे जाती दिखाई देती हैं, वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ट्री वाटर। मोंटेनेग्रो के छोटे से विलेज डिनोसा में आपको कुछ यूनिक देखने को मिल सकता है, जो पूरी तरह से यूनिक नेचुरल फिनोमेना है। हैवी रेन के टाइम ये ओल्ड मालबरी का ट्री एक फाउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो उस पेड़ के बीचों बीच से एक पावरफुल पानी का स्ट्रीम बाहर आता है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी ने उस पेड़ के बीच में वाटर पाइप लगा रखी है जिससे ये पानी बाहर आता होगा, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं, कुदरत का एक करिश्मा है। डिनोसा में जब भी रेन के कारण अंडरग्राउंड स्प्रिंग में फ्लड आती है तो ये फ्लड इस पेड़ के अंदर प्रेशर क्रिएट करती है, जो अंडरग्राउंड पानी को पेड़ के बीच से बाहर की ओर पुश करता है, और ये पेड़ एक फाउंटेन में चेंज हो जाता है और वो पानी इस पेड़ के क्रैक्स में ट्रेवल करना शुरू कर देता है, जिसका कारण इस पेड़ के बीच का खोखलापन है। और जिस तरह से ये पेड़ खड़ा है उस कारण से कई बार ये पानी जमीन से बाहर भी आने लगता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग फाउंटेन ट्री डिनोसा में कई लंबे समय से है और सभी लोग इस फाउंटेन के ट्री को देखना पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फाउंटेन ट्री डिनोसा में 25 सालों से है, तो कई लोगों का कहना है कि ये ट्री यहाँ पर उससे भी पहले है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नेचुरल स्प्रिंग इतने समय से यहाँ पर है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। एस्टिमेट किया गया है कि ये ट्री 100 से 150 साल पुराना है। चाहे ये ट्री कितना भी पुराना हो, लेकिन उस पेड़ की लकड़ियों को अभी तक इससे निकलने वाले पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मूविंग आइलैंड। पृथ्वी जल, अग्नि और वायु से काफी स्टेबल है। किसी भी कॉन्टिनेंट को मूव करने में कई हजारों सालों का वक्त लगता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी दिन आपके नेबर जो सड़क के उस पार रहते हैं एक दिन आपके काफी करीब आ जाएं। लेकिन कई बार प्रकृति में कुछ ऐसा होता है कि जो काफी क्रेजी भी दिखाई देता है, जैसे किसी मूविंग आइलैंड का स्टार्ट होना। जी हाँ, ऐसा एक आइलैंड जो पूरी तरह से अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देता है। एक बार युगांडा में कुछ ऐसा ही फिनोमेना देखा गया था, जब बिना किसी अर्थक्वेक के एक आइलैंड मूव करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका पूरा राज क्या था, ये आइलैंड कैसे मूव हुआ, आज तक इस बात का पता ही नहीं चला। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्मोकिंग एलिफेंट्स। ये कोई 20th सेंचुरी का कोई सर्कस शो नहीं है। 2018 के स्प्रिंग टाइम के दौरान इंडियन नेशनल पार्क के हाथियों को स्मोक प्रोड्यूस करता हुआ देखा गया,
लेकिन वो डेंजरस नहीं था। लो टेम्परेचर के कारण वो सभी हाथी स्मोक प्रोड्यूस कर रहे थे, मानो जैसे स्टीम इंजन हो। ये क्लिप नागरहोल नेशनल पार्क के कैमरा ट्रैप इंस्पेक्शन के लिए फिल्माई गई थी। ऑल्दो इंडियन एक्सपर्ट रेगुलरली कंट्री के सभी पार्कों को इंस्पेक्ट करते हैं, ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था जिसमें डरने की कोई बात नहीं है। और उस हाथी के बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिस्ट वरुण गोस्वामी देखते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो जानवर जलते हुए कोयले को अपने मुंह में डाल रहा था जो उस पार्क के ग्राउंड पर मिला था। और जैसे ही हाथी ने वो जलता हुआ कोयला अपने मुंह में डाला और कोयले के राख को अपने मुंह से बाहर फूंका तो देखने से ऐसा लगा मानो वो हाथी स्मोक कर रहा हो और उस राख ने स्मोक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जिससे कुछ भी स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि चारकोल में टॉक्सिन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है जो जानवरों के लिए अच्छा होता है और एनिमल्स के लिए कई यूजफुल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर्चुनेटली एनिमल्स आग को यूज नहीं कर सकते, इसलिए वे जंगल में ऐसी जगह को सर्च करते हैं जहां उन्हें चारकोल मिल सके, जैसे कि वो जगह जहां बिजली गिरी होती है। क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अजीब देखा है जानवरों के साथ होते हुए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्रीन क्लाउड्स, अगर आपको कभी भी ग्रीन स्टॉर्म क्लाउड दिखे तो आपको प्रोबेबली छिप जाना चाहिए। ग्रीन क्लाउड एक साइन है कि आने वाली तेज हवाएं बहुत पावरफुल और डेंजरस होने वाली है, जो शायद एक टोर्नेडो जैसी ताकत से आपके पास से गुजरे। जिस जगह टोर्नेडो कॉमन होते हैं वहां के लोग जानते हैं कि ये ग्रीन क्लाउड हमारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन ये केवल एक सुपरस्टिशन है। एक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बादलों में मौजूद पानी के कारण ये ग्रीन क्लाउड्स बनते हैं, और जब कभी बादलों में ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है तो उनका कलर ब्लू होता है, और यदि हम इसमें सनसेट के येलो और रेडिश कलर को ऐड कर दें तो एक ग्रीन शेड देखने को मिलता है। इसमें कोई कोइंसिडेंट नहीं है, 1980 मिशिगन के टोर्नेडो का कलर भी ग्रीन था। हालांकि ग्रीन स्टॉर्म का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपकी ओर कोई टोर्नेडो अप्रोच कर रहा है। भारी बारिश और बड़े स्टॉर्म भी देखने में ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन फिर भी चांस होते हैं कि वे स्टॉर्म टोर्नेडो हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में ये बेस्ट है कि हम किसी भी तरह की डेंजरस प्लेस की जगह से किसी सेफ जगह में चले जाएं। ट्रेवलिंग स्पाइडर्स, क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जो पूरी तरीके से एक हॉरर मूवी का सेट लगती हो? स्पाइडर रेंज जैसी जगह कैसी रहेगी? ये सच में होता है, और जिस जगह होता है वहाँ के लोग इस चीज से बेहद परेशान रहते हैं। स्पाइडर रेंज में न्यूबॉर्न स्पाइडर पेड़ पर क्लाइम करते हैं और स्पाइडर वेब से एक तरह का पैराशूट बनाते हैं, और जैसे ही कोई हवा का झोंका उनके पैराशूट को टच करता है तो स्पाइडर अपने पैराशूट के साथ उड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होते समय कई स्पाइडर्स की डेथ भी हो जाती है, चाहे वो प्रेडेटर्स हो या फिर पानी में उतरते समय। लेकिन ऐसा पैराशूट का निर्माण मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स करते हैं जो इसे उड़ाकर किसी नई जगह जाने में ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। और अगर वे स्पाइडर जब हवा में होते हैं और हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, और वे सभी मिलियंस ऑफ स्पाइडर अपने नेबरहुड में ही गिर जाते हैं या फिर उनका स्पाइडर वेब पेड़ों में फंस जाता है। कई बार तो न्यूबॉर्न स्पाइडर की जगह बाकी स्पाइडर्स भी ऐसा पैराशूट बनाकर एक जगह से दूसरे जगह फ्लाई करने जाते हैं, लेकिन ये सब तब होता है जब किसी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड सामने आती हो, और स्पाइडर सर्वाइव करने के लिए ऐसे तरीकों की हेल्प लेते हैं और डेंजर के टाइम उड़कर किसी सेफ जगह पहुंच जाते हैं। स्नो रोलर्स, कभी कभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग घटना देखने को मिलती है। शायद किसी ने ये स्नो रोल बनाई है और हवा में गायब हो गया, लेकिन ये सभी स्नो रोल्स एक दूसरे से अलग मालूम पड़ते हैं जिसके लिए विंड रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये हवा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये स्नो के पार्ट्स को किसी भी पहाड़ी के किनारों पर रोल करती है जिससे वो स्नो रोल्स साइज में बड़े बनते जाते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। स्नो रोलर्स तभी देखे जा सकते हैं जब ग्राउंड आइस लेयर से बनी हो जो नई बर्फ से नहीं चिपकती, और ऊपर से कई बार ये नई बर्फ बहुत वेट और लूज होती है, और इनका टेम्परेचर आइस मेल्टिंग टेम्परेचर के करीब होता है, इसलिए स्नो रोल के फॉर्मेशन के लिए विंड की रिक्वायरमेंट होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जो स्नो को इस तरह से मूव करवाए कि वो धीरे धीरे स्नो रोल बन सके, जिसके लिए इंक्लाइंड सरफेस यानी झुकी हुई सतह की जरूरत होती है। इसलिए स्नो रोल्स पहाड़ी इलाके पर ही देखे जा सकते हैं। सिंक्रोनाइज फायरफ्लाइज, अभी वर्ल्ड में अराउंड 2000 फायरफ्लाइज स्पीसीज मौजूद है। इस स्पीसीज को सिंक्रोनस फायरफ्लाइज कहा जाता है, जिनकी कमाल की काबिलियत से लाइट स्नो पॉसिबल होता है जो हमारे प्लेनेट के कुछ जगहों पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको ये लाइट स्नो देखना है
तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में जाना होगा, जहां ऐसे 19 फायरफ्लाइज मौजूद हैं, जो एक दूसरे से बेहद अलग हैं, लेकिन उन सभी में से फेटिस कैरोलिना के स्पेसिमेंस ने एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करना सीखा है। ये इंसेक्ट्स ऐसी लाइट तब इमिट करते हैं जब उनके 2 हफ्तों का मेटिंग पीरियड चल रहा होता है, और जैसे जैसे रात होती जाती है इन इंसेक्ट का लाइट शो और भी अनबिलीवेबल होता जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।